नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबर दोपहर में खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी के बाराबंकी स्थित राम स्नेही घाट से लखनऊ अयोध्या हाईवे पर देर रात एक बस की ट्रक से हो जाने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी घायलों को 50,000 रुपए के देने की भी घोषणा की गई है। बता दें, प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना के बारे में जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। तो बता दें, बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बस रास्ते में खड़ी थी, जिसमें पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया है, साथ ही घायलों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को असम मिजोरम सीमा पर विवाद के मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रभारी जितेंद्र सिंह ने असम पार्टी के अध्यक्ष भूपेन बोरा को टीम का नेतृत्व करने और अपने रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त किया है। साथ ही अन्य सदस्यों के में देवोत्र सोकिया, रॉकीबुल हुसैन, गौरव गोगोई, सुष्मिता देव, प्रद्युत बोरदोलोई और कामख्या डे शामिल हैं। आपको बता दें कि असम और मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़पों में असम पुलिस के 5 जवानों के मारे जाने के एक दिन बाद ही कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मौतों पर शोक व्यक्त किया और गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर देश को विफल कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी की यह टिप्पणी असम के 5 जवानों के मारे जाने और मिजोरम के साथ राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए 50 से ज्यादा जवानों के घायल होने के एक दिन बाद आई है, क्योंकि सोमवार को 2 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद एक खूनी संघर्ष में बदल गया था। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है। अस्थाना को उनके सेनानिवृत्ति से 4 दिन पहले ये पदभार दिया गया है। साथ ही बता दें, 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2022 तक दिल्ली पुलिस के आयुक्त भी रहेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SCC ने AGMUT कैडर से बाहर गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना की पुलिस दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। SCC ने शुरू में उनकी सेवा को 31 जुलाई को उनकी सेनावृत्ति की तारीख से 1 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहल हो उसे तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच केरल में एक कैथोलिक गिरजाघर ने 5 या ज्यादा बच्चों वाले परिवारों के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। केरल के कोट्टायम जिले के पाला में एक कैथोलिक चर्च ने ऐलान किया है कि 5 या ज्यादा बच्चे वाले परिवार आर्थिक मदद मिलेगी और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे भगवान की ओर से एक उपहार है। वहीं चर्च के पाला बिशप मार जोसेफ कल्ला गरंट द्वारा जारी पत्र में 4 से ज्यादा बच्चों वाले परिवार को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता सहित कई कल्याणकारी योजनाओं में की सूची में शामिल है। बता दें, गिरजाघर के इस कदम को राज्य में समुदाय की संख्या को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सीरो मालावार गिरजाघर के पाला डोसिस के फैमिली
अपोस्टोलेंट ने 2000 के बाद जिनकी शादी हुई उनके 5 या ज्यादा बच्चे हैं तो उन दंपत्ति को 1500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। वही बता दें फैमिली का नेतृत्व करने वाले फादर ने बताया कि ये घोषणा गिरजाघर के ईयर ऑफ द फैमिली उत्सव के हिस्से के तौर पर की गई है। इसका मकसद खास तौर पर कोविड-19 काल के बाद बड़े परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। साथ ही हमें इस संबंध में जल्द ही आवेदन मिलने लगेंगे और संभावना है कि हम अगस्त से सहायता राशि देना भी शुरू कर देंगे। वहीं इस योजना की घोषणा सोमवार को बिशप जोसेफ ने की और एक ऑनलाइन बैठक के जरिए की गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर देखने के लिए मिला है। दरअसल किश्तवाड़ जिले में बुधवार सुबह बादल फटने से 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी तक कई लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। वहीं जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह किश्तवाड़ जिले के होंजर दचान गाँव में बादल फट गया था और इस आपदा में करीब 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि अभी तक 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं बचाव अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जबकि जुलाई के अंत तक और बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। साथ ही किश्तवाड़ में अधिकारियों ने जलाशयों और स्लाइड प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। वहीं मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, साथ ही नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद भी जताई है। जो नदियां, नाले, जल निकाय और स्लाइड प्रवण क्षेत्रों के पास रहने वाले निवासियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। जानकारी के अनुसार किश्तवाड़ जिले में भारी बारिश से ज्यादातर नदियां और नालों में जल स्तर बढ़ गया है और बादल फटने से भी जल निकायों पर इसका असर पड़ा है। वहीं पहाड़ी इलाके होने की वजह से भूस्खलन होने का खतरा भी बरकरार है। इसी को देखते हुए जिला पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से हेल्प डेस्क भी लगाया गया है और लोगों को घर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गए हैं। साथ ही नंबर पर फोन कर लोग किसी भी मुश्किल में मदद मांग सकते हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो बता दें एसएसपी किश्तवाड़ का नंबर 9419119202 है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और साथ ही मदद जो है आप मांग सकते हैं। तो एसएसपी का नंबर है, उसके बाद दूसरा एडिशनल एसपी किश्तवाड़ का नंबर भी दिया गया है, जिसमें 9469181 पर 254 पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की सहायता आप मांग सकते हैं। वहीं एडिशनल एसपी किश्तवाड़ का नंबर दिया गया है, साथ ही 9469181254 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आगे की सहायता मांग सकते हैं। वहीं डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर का नंबर भी जारी किया गया है, जो 9622640198 है, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और मदद जो है आप ले सकते हैं। वहीं एसडीपीओ का एथोली का भी नंबर दिया गया है, जिसमें 9855851234 पर आप संपर्क कर सकते हैं मदद के लिए। वहीं बता दें एसजीपीओ अथौली का नंबर भी जारी किया गया है, 9855851238 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही एसएचओ किश्तवाड़ का नंबर भी दिया गया है, उनका नंबर 9149695883 है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं। वहीं एसएचओ चतुर्थ का भी नंबर दिया गया है, जो 9419214272 है, इस नंबर पर भी आप कभी भी कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। इसके अलावा पीसीआर किश्तवाड़ का नंबर भी दिया गया है, जो 9906154100 है, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की सहायता मांग सकते हैं। वहीं ERSS का नंबर भी दिया गया है, 112, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके आप किसी भी तरह की सहायता मांग सकते हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक के बाद कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह राज्य के नए सीएम का ऐलान कर दिया। येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे बसवराज बोमोई को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया और सुबह 11 बजे बसवराज बोमोई के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उनका नाम भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा पिता पुत्र की जोड़ियों में शुमार हो गया जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। दरअसल कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोमोई के पुत्र हैं और एसआर बोमोई का नाम भारतीय राजनीति सियासी गलियारों वकालत और राजनीति शास्त्र की शिक्षा हासिल करने वालों के लिए कोई अनजान नहीं है। एसआर बोमोई बनाम भारत गणराज्य के इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने में के संदर्भ में भी किया जाता है। इस ऐतिहासिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया था उसने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी। इस फैसले का केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों पर भी भारी प्रभाव पड़ा था। वहीं बसवराज बोमोई के पिता एसआर बोमोई साल 1988 से 1989 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं सितंबर 1988 में जनता पार्टी और लोकदल पार्टी ने एक नई पार्टी जनता दल का गठन करके राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। एसआर के नेतृत्व में जनता दल राज्य में सबसे ज्यादा बहुमत वाली पार्टी भी बनी थी। तो बता दें येदियुरप्पा की जगह अब नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है और बता दें नए सीएम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और कहा जा रहा है कि शपथ के बाद उनकी कई बैठकें भी हैं और साथ ही येदियुरप्पा की राह पर चलेंगे कर्नाटक के नए सीएम। हालांकि उन्हें येदियुरप्पा का काफ़ी नज़दीकी भी माना जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा था कि बीजेपी में बोमोई को लाने वाले बीएस येदियुरप्पा ही थे और इसीलिए उन्हें उनका करीबी भी माना जा रहा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा की राह पर ही अब नए मुख्यमंत्री चलते हुए नजर आएंगे। वहीं कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमोई ने कहा है कि वो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के मार्गदर्शन पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करना और येदियुरप्पा की नीतियां मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रशासन के मामले में येदियुरप्पा की सलाह भी लूंगा। बोमई ने कहा कि मैं पार्टी के दर्शन शास्त्र को ईमानदारी से लागू करूंगा और पार्टी और सरकार के बीच अच्छा समन्वय सुनिश्चित भी करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि मुख्यमंत्री पद उनके पास आएगा और उन्होंने कहा कि मैं नेताओं से मिलने नई दिल्ली नहीं गया था, इसके बावजूद भी नेताओं ने मुझे इस पद के लिए चुना है। यह अवसर चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कोविड बाढ़ की स्थिति को संभालना भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं और दलित वर्गों पर विशेष जोर देने के साथ गरीब समर्थक जन समर्थक सरकार बनने जा रही है। वहीं कुमार कृपा गेस्ट हाउस में रहने वाले केंद्रीय नेताओं से मिलने के बाद बोमोई बुधवार को येदियुरप्पा के आवास पर भी पहुंचे थे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया था। उत्तराखंड में मंगलवार देर रात से हो रही बारिश बुधवार की सुबह भी जारी है जिस वजह से लोग दहशत में हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे सहित कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भी रात से बारिश जारी है जिससे शहर में जल भराव हो गया है। वहीं दून में रिस्पना और बिंदाल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और दून के बकरावाला क्षेत्र के एक पुल भी टूट गया है। साथ ही ये भी छोटी पुलिया थी यहाँ भी जिस पर चौपहिया वाहन भी चलते थे। वहीं
रायपुर के मालदेवता में एक बार फिर सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि जेसीपी द्वारा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों में लगातार दहशत बनी हुई है, जिसके साथ ही अन्य इलाकों में भी रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। साथ ही देहरादून जिले में पड़ने वाली कालसी के जजरेट में मार्ग पर मलबा आ गया है। वहीं हरिद्वार में भी देर रात 3 बजे से हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश में पिछले 3 सालों के दौरान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड हटाए या रद्द किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। सरकार ने लगभग 20,000 उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। वहीं उत्तर प्रदेश में साल 2018 में 43,72,491, वहीं साल 2019 में 41,52,243 और साल 2020 में 8,54,025 यानी कि कुल 93,68,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द या हटाए गए थे, जबकि महाराष्ट्र में 20,37,947 राशन कार्ड रद्द किए गए थे। वहीं ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि साल 2018 में 12,81,922 के साथ साल 2019 में 6,53,677 और साल 2020 में 1,02,348 राशन कार्ड को हटा दिया गया है। वहीं राशन कार्ड रद्द करने और हटाने की कतार में मध्य प्रदेश ऊपर था, इसके बाद हरियाणा आता है और उसके बाद पंजाब, दिल्ली और असम भी थे। वहीं NFSA के तहत कार्रवाई के बाद सरकारों ने कई राशन कार्ड को आसानी से हटाना और राशन कार्ड के आधार पर सीडिंग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित की है। वहीं डुप्लीकेट या फर्जी राशन कार्ड से परहेज भी किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। किसी दिन मामले कम हो रहे हैं तो किसी दिन अचानक मामले बढ़ जाते हैं। बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 640 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसमें से आधे से ज्यादा केस सिर्फ एक राज्य केरल से ही हैं। दरअसल केरल में एक दिन में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बता दें कि मंगलवार को 30,000 से कम मामले सामने आए थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कुल 43,354 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 640 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं, जिससे अब ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,06,00,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 4,22,022 पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि देश में अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी फिलहाल 97.39% है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 5% से नीचे है। वहीं मंगलवार को केरल में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने में पहली बार किसी राज्य में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले एक दिन में मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में एक दिन के अंदर 156 लोगों की मौत भी हुई है। मेरठ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देशभक्ति के जुनून से लबरेज सुभारती विश्वविद्यालय में कारगिल विजय दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देशभक्त के जुनून से लबरेज सुभारती विश्वविद्यालय में कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मांगल्या प्रेक्षागृह में मेजर जनरल GOC पश्चिमी UP सब एरिया मेरठ श्री AK गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल SC त्यागी, नौसेना के कैप्टन राकेश शुक्ला, कर्नल राजेश अधाऊ, कर्नल राजेश त्यागी, कर्नल कपिल कात्याल के साथ सुभारती विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़, संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण, कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर VP सिंह, CO डॉक्टर शल्य राज
और कर्नल डॉक्टर एन के आहूजा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का गर्मजोशी के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर फाइन आर्ट के विद्यार्थियों ने सुभारती गान भी प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण को संबोधित करते हुए सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह ने सभी अतिथियों और विद्यार्थियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय को प्राप्त करने में शहीद हुए भारत माता के 527 वीर जवानों की याद को अमिट बनाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में 3 एकड़ भूमि के अंदर कारगिल शहीद स्मृति उपवन की स्थापना की गई है। वो आगे कहते हैं कि सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि वो शहीद सैनिक के परिजनों को सम्मान दें और उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को चारों खाने चित करके विजय ध्वज पताका फहराया था, इसी भावना का सम्मान करते हुए सुभारती विश्वविद्यालय शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर रहा है। कर्नल एससी त्यागी ने कारगिल युद्ध का सभी के समक्ष परिचय दिया। उन्होंने बताया कि युद्ध में किस प्रकार एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देता है। उन्होंने स्क्रीन पर कारगिल क्षेत्र का नक्शा, फोटो और युद्ध के दौरान की कुछ वीडियो प्रदर्शित करके सभी को भारतीय सेना की गौरवशाली पराक्रम की गाथा सुनाई। वहीं नौसेना के कैप्टन राकेश शुक्ला ने कारगिल युद्ध में नौसेना की भूमिका से सभी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तान की घेराबंदी करके उनकी कमर तोड़ने का काम किया था। वो बताते हैं कि युद्ध के दौरान तेल की मुख्य भूमिका होती है और भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के तेल की सप्लाई बाधित करते हुए पाकिस्तानी नौसेना को उन्हीं की बंदरगाह से बाहर नहीं निकलने दिया और उन्हें युद्ध लड़ने में असमर्थ बना दिया। वायुसेना के विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कारगिल युद्ध में वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना की विमानों की गरज से पाकिस्तान थर थर कांपने लगा और पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर भारतीय वायु वीरों ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। वो आगे कहते हैं कि किसी भी देश के लिए वायुसेना की भूमिका सबसे अहम होती है और वायुसेना के बगैर युद्ध लड़ना असंभव है। उन्होंने भारतीय सेना के जांबाज वीरों की वीरता के पराक्रम पर आधारित अपनी कविता सुनाकर सभी को जोश से लबरेज कर दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल जीओसी पश्चिमी यूपी सब एरिया मेरठ श्री एके गुप्ता ने अपने संबोधन में सभी को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के हौसले आसमां की बुलंदियों से ऊंचे हैं और हर सैनिक भारत माता के दुश्मनों से रक्षा करने हेतु तत्पर है। उन्होंने सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के नाम 527 पेड़ लगाकर शहीद स्मृति उपवन की स्थापना पर हर्ष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय ने बहुत ही गौरवशाली काम किया है और शहीद स्मृति उपवन में कारगिल युद्ध में शहीद हुए 527 जवानों की याद अमर हो गई है। इस दौरान मेजर जनरल जीओसी पश्चिमी यूपी सब एरिया मेरठ श्री एके गुप्ता, कुलाधिपति श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़, संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण, कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह, सीओ डॉक्टर शलिया राज, कर्नल डॉक्टर एन के आहूजा द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीद यशवीर सिंह, शहीद जुबैर अहमद, शहीद सतपाल सिंह, शहीद योगेंद्र सिंह, शहीद मनोज तलवार, शहीद सतीश कुमार के परिजनों को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सेना मेडल कर्नल राजेश अधाव ने कारगिल युद्ध के दौरान घायल जवानों के उपचार करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध में बरसती गोलियों के बीच वो डट कर अपने जवानों को चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करते रहे। इस दौरान वो कई बार दुश्मनों की फायरिंग के बीच घिरे भी, लेकिन उन्होंने साहस करते हुए अपने घायल जवानों का उपचार किया। ये उल्लेखनीय है कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सहायक इकाई जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग के किसी सिपाही को सेना मेडल से नवाजा गया हो, परंतु कर्नल राजेश उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें मेडिकल कोर का होने के बाद भी सेना मेडल से नवाजा गया है। कार्यक्रम के संयोजक और चेयरमैन क्यूसी कर्नल डॉक्टर एन के
आहूजा ने बताया कि सुभारती डिफेंस एकेडमी की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया है। इसके अंतर्गत सेना में चयन होने के लिए विद्यार्थियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और स्नातक की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय देश को अखंड राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ अपने विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन कर रहा है ताकि अपनी योग्यता से विद्यार्थी देश हित में योगदान दे सके। सुभारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पूर्व आईएएस स्मृति स्तुति नारायण कक्कड़ ने अपने उद्बोधन में कहा है कि कारगिल शहीद स्मृति उपवन के द्वारा भारत माता के वीर सपूतों की याद हमेशा के लिए स्वर्णिम बन गई है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे सैनिक देश की सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का पराक्रम दिखाकर शहीद हुए 527 जवानों की शहादत की याद को अमर बनाते हुए 3 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय में कारगिल शहीद स्मृति उपवन की स्थापना की गई है। वो आगे कहते हैं कि शहीदों के नाम पर वृक्ष लगाकर उनकी याद को हमेशा के लिए अमर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहीद स्मृति उपवन देश का पहला ऐसा उपवन है जिसमें 527 शहीदों के नाम के पेड़ लगाए गए हैं। इसमें एक और हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा तो वहीं कारगिल युद्ध के शहीद वीर जवानों की याद हमेशा के लिए अमर होगी। उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अधिकारियों और समस्त अतिथिगणों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद दिया है। कारगिल शहीद स्मृति उपवन में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल संजय हुटा रहे। इस अवसर पर शहीद यशवीर सिंह, शहीद जुबैर अहमद, शहीद सतपाल सिंह, शहीद योगेंद्र सिंह, शहीद मनोज तलवार, शहीद सतीश कुमार के नाम के पेड़ शहीदों के परिजनों के साथ मिलकर रोपित किए गए। वंदे मातरम गायन से कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर श्री यशपाल सिंह, कुल सचिव डी के सक्सेना, अतिरिक्त कुल सचिव से जफर हुसैन, डॉक्टर डी सी सक्सेना, प्रतिकुलपति डॉक्टर विजय बधावन, डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्यम खरे, डॉक्टर विनीता निखिल, डॉक्टर एस डी खान, डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय, डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा, प्रबंधक उद्यान एसपी पाठक और आनंद पाल, डॉक्टर पिंटू मिश्रा, डॉक्टर पूजा गुप्ता, डॉक्टर भावना ग्रोवर, विधि खंडेलवाल, डॉक्टर मनोज कपिल, डॉक्टर शिव मोहन, डॉक्टर मनोज त्रिपाठी, डॉक्टर संदीप चौधरी और डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर रवि, डॉक्टर प्रशांत, असिस्टेंट डायरेक्टर पीपीडी ई आकाश भटनागर, मीडिया प्रभारी उनम शेरवानी, विशाल सिंह, विवेक तिवारी, समीर सिंह, राजकुमार सागर सहित आयोजक समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। तो देखा आपने किस तरह से मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में कारगिल विजय दिवस मनाया गया था और तमाम कार्यक्रमों का आयोजन इस मौके पर किया गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।